नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। श्रीकानपुर से हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत ने बताया कि श्रीकानपुर में कृषि उपज पर लगाए गए टैक्स का विरोध विभिन्न संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि कृषि उपज पर 2% टैक्स लगाने के विरोध में श्रीकानपुर में भाजपा व AISF पदाधिकारियों की ओर से उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई। तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इसे किसानों के साथ अन्याय करार देते हुए किसानों की कमर तोड़ने वाला टैक्स बताया। भाजपा किसान मोर्चा के देहात मंडल अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान व नगर अध्यक्ष रविंदर सेवट ने SDM को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सरकार कृषि उपज पर लगाए गए टैक्स को तुरंत वापस लेकर किसान व व्यापारियों को राहत दे। तो वहीं AISF पदाधिकारियों ने भी कृषि उपज पर लगाए गए टैक्स को तुरंत वापस लेने की सरकार से मांग। आज हमने SDM साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें कृषि उपज मंडी पर 2% टैक्स लगाकर व्यापारियों और किसानों को प्रताड़ित करने का जो गहलोत सरकार ने काम किया है, उसके लिए हम राहत की मांग करते हैं। वह उस आदेश को वापस लें। किसान पहले ही व्यापारी COVID-19 से प्रभावित है, इससे किसान और परेशान होगा। किसान की जिंस का भाव नहीं मिल पाएगा टैक्स की वजह से, और इसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इससे किसानों और व्यापारियों को राहत दी जाए। इसके अलावा जो समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है सरसों और चना की, उसमें क्वालिटी के नाम पर 60-70% तक किसानों की फसल रिजेक्ट की जा रही कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इससे यह कोई बीज कंपनी को नहीं जाना है, ऑयल मिल को फसल जानी है, उसमें क्वालिटी के नाम पे भ्रमित करके किसान को फसल को रिजेक्ट किया जा रहा है, और इसे सारी की सारी फसल खरीदी जाए ताकि किसान को, हर किसान को राहत मिले। इससे हमने SDM साहब को मिलकर आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, और हमारा मानना है कि सरकार इस पर गौर करे और इसे किसानों और व्यापारियों को राहत प्रदान करे। वहीं श्रीकानपुर नगर पालिका का जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अतिरिक्त चार्ज संभालते ही EO एक्शन मोड में दिखाई दिए और उन्होंने कस्बे की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही बिना मास्क लगाए दुकानदारों व बिना मास्क घूमने वाले 11 लोगों के चालान काटे व मौके पर 2,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों की बैठक लेकर कस्बे की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी पुरानी व नई समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। आपको बता दें कि सोहनलाल नायक पूर्व में नगरपालिका श्रीकानपुर में अधिशासी अधिकारी के पद पर रह चुके हैं।